बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम यूनिट 10 का थ्योरम 10.1.2 स्टार्ट करेंगे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट अभी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखें, पिछला थ्योरम आपको समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले थ्योरम में आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम समझाया है। इसके अलावा यूनिट 9 भी समझना ज़रूरी है, वहाँ पर एसएस पॉस्टुलेट आपने सीखा है, यूनिट 9 पूरा इस्तेमाल हुआ हुआ है। यहाँ पर कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है, इसी का कन्वर्स थ्योरम है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ये भी मैंने आपको पिछले थ्योरम में समझाया है, जो इसका पहला थ्योरम था यूनिट का। इसी तरह से इन दोनों के हिसाब से ये कैसे लिखा मैंने, ये पिछले थ्योरम में है। जो पिछला थ्योरम हमने प्रूव किया है, पहला थ्योरम, उसकी बुनियाद पर मैंने ये थ्योरम प्रूव किया है, यानी थ्योरम 1 की बुनियाद पर यह थ्योरम प्रूव हुआ है। तो जब तक आपको पिछला थ्योरम नहीं आता होगा, आप ये थ्योरम नहीं समझ पाएंगे। तो आपको पिछला थ्योरम समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको ये थ्योरम समझ आएगा, तो ये बात आप जहन में बिठा लें। अगर आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में हैं कि आपको डायरेक्टली ये थ्योरम समझ आ जाएगा, तो बेटा समझ नहीं आएगा। आप शायद हाँ हाँ तो करते रहो, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आने वाला। अगर आपको दिल से और दिमाग से एक्सेप्ट करवा के समझना है कि वाकई ये चीज़ सही साबित हुई है, तो आपको पिछला थ्योरम पहले देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, तभी आपको यहाँ पर जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो आपको समझ आएगी। क्योंकि मैं उस मेंटल लेवल पे जाके बात करूंगा कि बच्चों ने पिछला थ्योरम समझा है, उतनी समझ उनकी बन चुकी है जो कुछ उन्होंने पहले थ्योरम में समझा, तभी वो दूसरा थ्योरम सीखने आए हैं और वो सब कुछ समझ चुके हुए हैं। उसी की बुनियाद पर अब मैं आगे थ्योरम 2 की जो भी वर्डिंग्स इस्तेमाल करूंगा, उसी बुनियाद पर करूँगा। तो चलिए थ्योरम 2 को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 2 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है, इफ़ टू अपोजिट साइड्स, ये मैंने वन पेयर अपने पास से लिखा हुआ है ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। कह रहे हैं कि अगर दो ऑपोजिट साइड्स या एक पेयर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, यानी कॉन्ग्रुएंट भी है, बराबर भी है लंबाई के एतबार से, और पैरेलल भी है। तो ये हमें गिवन दिया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी दो ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं, पैरेलल भी हैं। तो हमने साबित ये करना है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। यह है ए बी सी डी, वर्टिसेज आपको नज़र आ रहे हैं। इसी बुनियाद पर हम इसको नाम देंगे पैरेललोग्राम, इस क्वाड्रिलेटरल को। पैरेललोग्राम तो साबित करना है हमने कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें से दो चीज़ें निकलती हैं स्टेटमेंट में से, गिवन और टू प्रूव। तो सबसे पहले मैं गिवन में लिख लेता हूँ, जो मुझे दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने अपने पास से डायग्राम बना ली क्वाड्रिलेटरल की, ए बी सी डी। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल लिया मैंने जिसका नाम दिया ए बी सी डी। इसके बाद कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होना चाहिए, उसकी दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी होंगी, बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। यहाँ ज़रा गौर करना है आपने बात पे, दो अपोजिट साइड्स कौन सी हैं। ठीक है, चार अपोजिट साइड्स होती हैं। अगर मैं कह रहा हूँ दो ऑपोजिट साइड्स, तो एक साइड ये हो गई और इसकी ऑपोजिट साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, इसकी ऑपोजिट साइड ये हो गई। तो टोटल चार ऑपोजिट साइड्स होती हैं, या ये दोनों मिला के एक पेयर हो गया ऑपोजिट साइड का, या ये दोनों मिला के एक और पेयर हो गया ऑपोजिट साइड का। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चार ऑपोजिट साइड्स होती हैं, या दो पेयर होते हैं ऑपोजिट साइड के। ये कह रहा है कि एक पेयर या दो ऑपोजिट साइड्स, तो कोई सी भी दो ऑपोजिट साइड्स आप लेंगे, वो ऐसी होंगी कि उनकी लंबाइयां भी बराबर होंगी और वो पैरेलल भी होंगे। तो मैं ये जो साइड है ए बी और सी डी, इनको लंबाई के एतबार से बराबर भी ले रहा हूँ, आर कॉन्ग्रुएंट, और साथ में पैरेलल भी ले रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, बराबर और पैरेलल कैसे भी चल सकते हैं, थ्योरम की टेक्निक बिल्कुल सेम रहेगी। तो इस तरह से एक एक टिक मार्क के साथ आप देख सकते हैं, मैंने ए बी और सी डी दोनों को कॉन्ग्रुएंट ले लिया है, क्योंकि ये गिवन का पार्ट है। देन इन दोनों को मैंने पैरेलल ले लिया है, तो यहाँ पे पैरेलल का निशान भी लगा दिया, ताकि आपको याद रहे कि कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हैं ये ऑपोजिट साइड्स। तो आपको डायग्राम देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा, और यहाँ पे गिवन में भी हम लिख देते हैं, तो हमें यहाँ से भी पता लग जाएगा। तो दो जगह से हमें पता लगता है कि हमें दिया हुआ क्या है, और उसकी मदद से हमने प्रूफ करना होता है। तो मैंने जो ली है अपनी डायग्राम के हिसाब से, ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट भी लिए, एंड ए बी एंड सी डी पैरेलल भी ली है। तो ये हमारा गिवन का पार्ट है कि ऐसी डायग्राम तो हमने बनानी ही बनानी है कि दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। मैंने ये ले ली, आप बी सी और डी ए भी ले सकते थे, पैरेलल भी और कॉन्ग्रुएंट भी।
ये हम लेकर चलेंगे, ये हमें कह रहा है कि ये दे रहा हूं मैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल तो आपने बनाना ही बनाना है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, इट इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल बना दिया इस तरह से, जैसे एक स्क्वायर आप बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्योंकि अभी ये नहीं है हमें पता कि पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का सिंबल है ये, लास्ट थ्योरम में मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमने ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो असल में पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूव करना है। किस बुनियाद पे, कि दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रूएंट भी हैं लंबाई के एतबार से और पैरेलल भी हैं। पिछले थ्योरम में याद करें क्या था, चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल थी। मैं चार साइड पैरेलल नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ड पे भी ध्यान रखना है आपने, चार साइड पैरेलल हैं तो इसका मतलब कि चारों लाइनें अगर कह रहे हैं हम पैरेलल हैं तो ये इस तरह बनेंगी। जब मैं कह रहा हूँ अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट साइड्स का मतलब ये होता है फेसिंग साइड्स, इस तरह से। तो ये साइड बनेगी, ये साइड बनेगी अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड बनेगी, ठीक है। तो चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल थी वहां पर, यहाँ पे चारों की मालूमात नहीं है, चारों अपोजिट साइड पैरेलल होने की मालूमात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो अपोजिट साइड की मालूमात है। और वो क्या है, दो अपोजिट साइड की मालूमात है और दो मालूमात है। वो क्या मालूमात है कि दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रूएंट भी हैं, पहली मालूमात ये है, और वही दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। तो दो मालूमात है हमारे पास दो अपोजिट साइड्स की, या एक पेयर अपोजिट साइड की। तो अगर ऐसा है तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो हमने सोचना है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको जो गिवन दिया गया है उसको सोचते हुए, पुरानी मालूमात को जहन में रखते हुए, जो कुछ आप प्रूफ कर चुके हैं, जो पुराने थ्योरम्स हैं उनको जहन में रखते हुए, पोस्टुलेट पोस्टुलेट को जहन में रखते हुए, हमने ये ध्यान में रखना है कि किस तरह हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, पिछला थ्योरम मुझे याद है कि चारों अपोजिट साइड पैरेलल होंगी तो पैरेललोग्राम होगा। तो दो अपोजिट साइड तो पैरेलल हैं, अगर मैं किसी तरह से ये वाली अपोजिट साइड जो रहती है इनको भी पैरेलल साबित कर दूं तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी थ्योरम 10.1.1 का इस्तेमाल करने लगा हूं, मैं पिछले थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। तो हमारा टारगेट यही है कि हमने जो बाकी की दो अपोजिट साइड्स हैं उनको भी पैरेलल साबित करना है। अगर पैरेलल साबित करना है तो उसके लिए मुझे जहन में आता है कि कन्वर्स आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, क्योंकि कन्वर्स से क्या होता है, एंगल के जरिए पैरेलल साबित करेंगे। अब यहाँ पे तो कोई एंगल है ही नहीं इस डायग्राम में, तो हम क्या करेंगे कि एक डायगोनल बनाएंगे कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन की हमने हेडिंग डाली यहाँ पर, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन बी डी, मैं ये डायगोनल बना रहा हूँ, आप चाहें तो ये डायगोनल भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप्स सेम ही रहेंगे। तो मैंने ये एक डायगोनल बना दिया, कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ज्वाइन बी डी। इसके बाद ये प्रूफ टेबल है, इसके टोटल मैंने तीन स्टेप्स किए हैं, तीन स्टेप्स आप देख लें किस बारे में। सबसे पहले वही, मुझे एंगल चाहिए, टारगेट क्या है मेरा कि इस साइड को पैरेलल साबित करना है, तो एंगल में ला सकता हूँ ना, जभी तो मैंने ये डायगोनल बनाया है। तो देखिए ना, गिवन के एतबार से ये पैरेलल तो है ना, मुझे नजर आ रहा है यहीं पर ही डायग्राम में नजर आ रहा है। जब ये पैरेलल हैं तो ये डायगोनल मैंने बनाया इसीलिए कि इसको मैं ट्रांसवर्सल के तौर पर लूंगा, और ये एंगल बराबर आ जाएंगे। जब ये एंगल बराबर आ ही जाएंगे मेरे पास, तो फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को लूंगा मैं दूसरे स्टेप में। पहले स्टेप में मैंने एंगल बराबर लाया, दूसरे स्टेप में ट्राइंगल बराबर लाया, ट्राइंगल बराबर लाने के बाद ये एंगल बराबर आ जाएंगे। देन जैसे ये एंगल बराबर आएंगे, कन्वर्स आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम कि ये पैरेलल होंगी, सिंपल। जैसे ये पैरेलल आई तो चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, यहाँ लिख दिया तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो ये स्टेप्स हमने यहाँ पर, एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे, हमें पैरेलल की मालूमात है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, तो इन दोनों लाइंस को मैंने बनाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो मैंने डायगोनल लिया था इसको मैंने ट्रांसवर्सल के तौर पर लिया, और ये दोनों एंगल वन और एंगल टू बराबर आ गए। यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल वन और एंगल टू बराबर आ गए। कौन सी लाइनें थी गिवन के एतबार से, ए बी और सी डी पैरेलल थी, स्टेटमेंट में लिखा। बी डी को जो डायगोनल था ट्रांसवर्सल के तौर पर लिया, जैसे ही मैंने ये लिया तो एंगल वन और एंगल टू कॉन्ग्रूएंट होंगे। कैसे पता मुझे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल के साथ बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये हमारे पास एंगल तो आ गए हैं, ठीक है। अब मैंने ये दो ट्राइंगल लेने, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल लेना है।
मुझे नजर आ रहा है ट्राइंगल में क्यों ले रहा हूँ। वैसे ही आप खुद भी सोचेंगे अपने जहन में, ट्राइंगल में इसलिए ले रहा हूँ कि देखें गिवन के एतबार से ये दोनों साइडें बराबर मुझे दी हुई ही हैं। पिछले थ्योरम में नहीं दी हुई थी, लेकिन इसका मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा तो मुझे फर्दर आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ए बी सी डी कॉन्ग्रूएंट है ही है, एक साइड हो गई, दोनों ट्राइंगल में एक एंगल हो गया और ये दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे एस पॉस्टुलेट लग जाएगा सिंपल। तो इसलिए अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। इनको मैं आपको इस तरह दिखा देता हूँ कि ये देखें इस तरह है कि नेमिंग किस तरह देंगे। जैसे मैं ए से बी पे जा रहा हूँ और फिर डायगोनल की तरफ जा रहा हूँ, तो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है सी डी। जब मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि किस तरह मुझे ओरिएंटेशन में जाना है, तो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी डी है, तो सी डी से डायगोनल की तरफ जाऊँगा मैं। अगर सी डी से यहाँ जाऊँगा तो डायगोनल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी ए बी डी बनेगी, तो सेकेंड स्टेप में मैंने वही लिख दिया इन ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी वो सी डी बी बनेगी, तो वही लिख दिया ट्राइंगल सी डी बी की कॉरस्पॉन्डेंस है। तो अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को देख रहा हूँ, तो यहाँ जो नाम बनेगा वो बी डी बनेगा, यहाँ जो नाम बनेगा सेम कॉमन साइड का डी बी बनेगा। ऐसे ले लेता हूँ, ये क्योंकि कॉमन साइड है तो कॉन्ग्रूएंट होगी होगी, दो दो टिक मार्क मैंने लगा दिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ए बी बराबर है सी डी के, ये जो साइड ए बी है और सी डी, एक एक टिक मार्क लगा है तो गिवन में दिया गया था, यहाँ भी देख सकते हैं डायग्राम में भी देख सकते हैं आप लोग। तो ए बी बराबर है सी डी के, ये गिवन में दिया गया था, मैंने मैंने रीजन में लिख दिया गिवन। इसके बाद एंगल वन बराबर है एंगल टू के, अभी ऊपर प्रूफ किया है स्टेप नंबर वन में कि ये एंगल वन और एंगल टू बराबर है, तो यहाँ हमने लिख दिया। इसके बाद बी डी बराबर है डी बी के, ये तो दोनों में कॉमन है बी डी और डी बी, तो यहाँ लिख दिया कि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एनिमेशन में सेपरेट करके नजर दिखाया हुआ है ताकि आपको दिखे कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को देख रहा हूँ। तो अलग अलग तरह से मैं एनिमेशन बनाता हूँ ताकि जिस तरह भी आसानी हो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये बन गया साइड एंगल साइड, ये इंक्लूड एंगल है, ये दो साइडें हो गई। इसी तरह से यहाँ बन गया साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर हैं। तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी डी बी जो कॉरस्पॉन्डेंस में थे, असल में वो कॉन्ग्रूएंट है, एस एस पॉस्टुलेट मैंने रीजन में लिख दिया क्योंकि साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों बराबर हैं ट्राइंगल, तो इनकी बाकी कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें भी तो बराबर होंगी। ये इसके बराबर होगी, डी ए बी सी के बराबर होगी, इसी तरह ये एंगल बी और एंगल डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा एंगल ए और एंगल सी। लेकिन मुझे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो लूँगा वो एंगल डी और एंगल बी लूँगा इस तरह से। लेकिन हम इसको एक प्रॉपर नाम दे देते हैं, एंगल थ्री और एंगल फोर। तो इस तरह से इसको मैंने एंगल थ्री का नाम दे दिया, इसको एंगल फोर का नाम दे दिया, तो ये भी कॉन्ग्रूएंट होंगे बाई सी पी सी टी। यहाँ मैंने लिख दिया एंगल थ्री और एंगल फोर कॉन्ग्रूएंट होंगे बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रूएंट ट्राइंगल, क्योंकि कॉन्ग्रूएंट ट्राइंगल हो गए थे इस स्टेप के अंदर, तो बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी बराबर होंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, ये हमने एंगल बराबर साबित करने थे, ये वाले यहाँ तक पहुँचाना था, क्योंकि एंगल बराबर साबित होंगे तो मेरे जहन में फ़ौरन है कि ये ट्रांसवर्सल बी डी तो है ही इन दोनों लाइनों के साथ, ये जो ट्रांसवर्सल बी डी है। अब ये जो एंगल इनके साथ बन रहे हैं ये जब भी बराबर हैं होंगे जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है। तो लाइनें बराबर होंगी तो एंगल बराबर आ जाएंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है। और इसका कन्वर्स क्या होगा, एंगल बराबर जब ही होंगे जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो ये हम तीसरे स्टेप में काम करते हैं, ये वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल थ्री एंगल फोर बराबर है सी पी सी टी, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, मुझे पता है किस तरह से ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये वही सेम डायगोनल। अब ये दो लाइन्स हैं हमारे पास क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, अब इन दो लाइन्स के साथ अगर ट्रांसवर्सल पे ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं तो लाइनें पैरेलल होंगी। तो लाइनें कौन सी थी, लाइन थी एक डी ए और एक थी बी सी, ये दोनों पैरेलल होंगी, और यही तो हमने साबित करना था कि ए डी और बी सी पैरेलल होंगी। तो ये आ गया है ए डी और बी सी पैरेलल होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने प्रूफ किया एंगल थ्री एंगल फोर बराबर है। यहाँ आप रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, यहाँ पर आप रीजनिंग लिख देंगे। अच्छा, ये हमने साबित कर दिया यहाँ पर कि ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है पैरेलल का, ये प्रूव हो गया है, ये इसीलिए हमने ये काम करना था। अब देख लें, यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये गिवन के एतबार से पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल आपने अभी साबित की हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में
चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। ये डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की, ठीक है, ये हमने पिछले थ्योरम में सीखा था। ए डी पैरेलल है बी सी के, ये अभी हमने प्रूव किया। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। तो अगर चारों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं क्वाड्रिलेटरल में तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये डेफिनेशन पैरेललोग्राम की है इसलिए हमने ये लिख दिया। सो यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास सिर्फ इतनी मालूमात है एक पेयर के बारे में कि अगर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है तो भी वो पैरेललोग्राम होगा, हमने ये साबित कर दिया, एंड में लिख दिया क्यू ई डी। तो अब आपके पास एक और टूल आ गया है कि अगर आपको ये पता है कि आपके पास जो एक पेयर है, एक पेयर की मालूमात है, अब दो की मालूमात नहीं है, एक पेयर की मालूमात है या दो अपोजिट साइड्स की मालूमात है कि वो बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। उसके चारों अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी होंगी, अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, डायगनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी पैरेललोग्राम की। तो पिछले थ्योरम में फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको चारों साइडों की मालूमात थी कि वो पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही थी। यहाँ आपको चारों की मालूमात नहीं है बल्कि दो अपोजिट साइड की मालूमात है, या एक पेयर के लिए उसकी मालूमात है कि बराबर भी है और पैरेलल भी है, तब भी वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो आपके पास एक और टूल आ गया है। होप कि आपने पिछला थ्योरम समझा होगा तो आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल थ्योरम नहीं है। दो तीन स्टेप्स हमने लिए हैं और किन बुनियादों पर लिए हैं वो भी आपने यहाँ पर देख लिया अच्छी तरह से, तो इजीली आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो अब आपसे नेक्स्ट थ्योरम में मुलाकात होती है जो कि ट्राइंगल से मुतालिक है, वहाँ भी पैरेलल प्रॉपर्टी ट्राइंगल से मुतालिक पढ़नी होगी। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।